स्वागत है आप सभी का मंचे कलाचैनल पर। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि हाउ टू चूज जॉब, या फिर क्या आप जॉब कर रहे हैं और उसमें आपको बोरिंग फील हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम जॉब कर रहे होते हैं, शुरू शुरू में जब वो जॉब हमें पसंद आती है, बट धीरे धीरे हम उसमें बोर फील करना शुरू कर देते हैं। तो उन सभी बातों से रिलेटेड जो है आज की ये वीडियो है। जिन लोगों ने अभी जॉब स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो हमेशा उस चीज़ को ट्राई करें जिसमें वो अच्छे हैं, बेटर हैं, तभी हम अपनी जॉब को, अपने वर्क को एंजॉय कर पाएंगे। आपको वो काम करना अच्छा लगता है, दिल से आप चाहते हैं उसे करना। और जो कर रहे हैं उनके लिए मेरा सजेशन यही है कि जब कोई एक एग्जांपल देके समझाऊंगी, मैं कहना चाहूंगी उन लोगों को जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं कि अपनी जॉब में हमेशा कुछ ना कुछ नयापन लाने की कोशिश करें। और आप बोरिंग क्यों फील कर रहे हैं उन बातों को नोट करके रखें, क्या क्या ऐसा है, किन कमियों के कारण, किन बातों के कारण आपको अपनी जॉब पसंद नहीं। किसी के साथ झगड़ा हो गया है, उसे सुलझाने की कोशिश करें। आपको कोई पसंद नहीं आता, उसके नेचर को जानने की कोशिश करें, थोड़ा उसके अनुसार चलने की कोशिश करें। कुछ लोग होते हैं खुशामद पसंद होते हैं, खुश और आप होते हो कुछ, और दूसरी साइड आप हो कि आपको ऐसा करना पसंद नहीं है। खुशामद करनी किसी की गलत बात है, लेकिन थोड़ी तारीफ करनी उसके काम के लिए वो अच्छी बात है, ताकि आपका रिलेशन है जो वो अच्छा बना रहे दूसरों के साथ। एक बात है कि जब हम ऐसे काम को चूज करते हैं ना, जो काम हमें दिल से अच्छा लगता है वो हमें बोरिंग लगता है, फिर चाहे हमें वो कितना भी टाइम करना पड़े, हमें वो बोरिंग नहीं लगेगा कभी। छोटी स्टोरी सुना के आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि एक लड़की होती है, उसका बड़ा दिल है टीचर बनने का, बट उसके पास डिग्री नहीं है टीचर की, जैसे DL.ED होती है, BED होती है, कुछ भी नहीं है। क्वालिफिकेशन अच्छी है, उसने MA किया हुआ है, बट जब उसको ऐसा लगता है दिल से कि मैंने पढ़ाना है, मेरे पास डिग्री नहीं है, मुझे स्कूल में जाके पढ़ाना है, तो जब भी उसके घर के आगे से एक वैन निकलती है तो वो सोचती है किसी दिन मैं भी इस वैन में जाऊँ स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो हर स्कूल की वैन को नज़र करती है, देखती है कि क्या टाइमिंग है इनकी, अगर मैं जाऊंगी तो मुझे किस टाइम तक रेडी होना पड़ेगा। जब भी किसी स्कूल की वैन का उसे हॉर्न सुनाई देता है, तुरंत भाग के वो गेट पे आ जाती है। ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन वो सोच लेती है कि मैं भी किसी स्कूल में जाके रिज्यूमे दूँ। वो देती है, इतना अच्छा इंटरव्यू देती है कि उसका पहली बार में सिलेक्शन हो जाता है। जब वो ज्वाइन करती है, बिल्कुल न्यू होती है, कोई उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो इतना दिल से काम करती है कि वो उन सभी लोगों को पीछे कर देती है जिनके पास डिग्रीज थी। इसका कारण क्या था कि उसका दिल था हमेशा उसी काम को अपनी जॉब का, अपनी वर्क प्लेस का आधार बनाए जो आपको दिल से पसंद है, उसे ही करना शुरू करें। आई होप आपको इस स्टोरी के तहत समझ आ गया होगा कि क्या करना आपके लिए सही है और क्या गलत है, क्या आपको करना चाहिए, किस जॉब को चुनना चाहिए। सिर्फ उसी काम को चुनें जिसको करने में आपका दिल लगता है, आपके अंदर से आवाज आती है कि ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट वर्क है, उसी को चुनें। आप कभी भी बोरिंग फील नहीं करेंगे, हमेशा इनिशिएटिव लें किसी भी काम को करने का कि मैं ये करूँगा, मुझे ये करना है, फिर ही आप आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू।